हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं रेन ऑन द रूफ पोएम के पोएटिक डिवाइसेस। ओके, एग्ज़ाम में जो आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें ज़रूर से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोई भी सर्टेन लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। ओके, फॉर दैट मैटर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एटलीस्ट अगर आपको ये आता है तो 1 मार्क आपको पूरा मिल जाएगा। ओके, तो इस पोएम में पोएटिक डिवाइसेस बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुई हैं, 2-3 पोएटिक डिवाइसेस हैं, तो उनको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो मैं आपको पहले तो ये भी बताऊंगी कि वो लिटरेरी डिवाइस कहाँ कहाँ यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है, और फिर हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिटरेशन। फ्रेंड्स, एलिटरेशन आप लोग पढ़ते हुए आए हैं, 6-7 क्लास से पढ़ते होंगे कि ना पोएट ने पोएम में एलिटरेशन यूज़ किया है, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों को अभी भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि व्हाट इज़ एलिटरेशन। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एलिटरेशन होता है कि जब भी किसी भी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वावल्स के अलावा जो भी 21 लेटर हैं वो क्या हैं, लेटर्स हैं, वो कॉन्सोनेंट हैं। ओके, तो अगर किसी भी लाइन में 2 या 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं, तो नेबरिंग वर्ड्स मतलब होगा कि वन आफ्टर द अदर, या फिर गैप के बाद कोई वर्ड्स आ रहे हैं जिनकी स्टार्टिंग क्या है और द बिगनिंग क्या है कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है, तो फिर वो क्या होगा, एलिटरेशन होगा। कनेक्ट्स द लाइन्स एंड कीप्स द सोनेट फ्लोइंग। अब मैटर ये करता है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग एलिटरेशन। तो वी हैव सीन दैट लॉट मैनी पोएट्स हैव बीन इन अ हैबिट ऑफ यूजिंग एलिटरेशन, एंड क्यों करते हैं वो आज हम लोग देखते हैं कि इट कनेक्ट्स द लाइन्स। किसी भी लाइन को कनेक्ट करने का क्या है, ये एक अच्छा मीडियम है, एंड इट कीप्स द सोनेट फ्लोइंग एंड इट गिव्स अ गुड फ्लो टू अ पोएम। तो एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देने के लिए पोएट एलिटरेशन को यूज़ करते हैं। ओके, तो अब आते हैं कि इस पोएम में से अगर हमें एग्जांपल देना है कि एलिटरेशन कहाँ यूज़ हुआ है, तो उसके लिए हमको ये एग्जांपल्स लर्न करने पड़ेंगे। और एग्जांपल्स लर्न नहीं करना, आपको जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि ओके, अगर ये लाइन आई है तो इसमें हाउ कैन आई फाइंड एलिटरेशन और द यूज़ ऑफ एलिटरेशन। अब मैंने आपके आपके लिए आसान इसको बना दिया है कि मैंने कुछ अंडरलाइन किए हैं लेटर्स, तो आपको आसानी होगी समझने में। तो एक फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर। तो आप देख सकते हैं कि इस लाइन में 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी बिगनिंग सेम लेटर से हो रही है, और एंड एट द सेम टाइम वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड भी है। जैसे वी कैन सी दैट देयर इज़ अ रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एच। तो ह्यूमिड का एच कॉन्सोनेंट है और होवर का एच भी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर एच एच साउंड रिपीट हो रही है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ एलिटरेशन। ओके, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। अगेन इस सेंटेंस में भी, इस लाइन में भी क्या हो रहा है कि 2 वर्ड्स हैं जिनकी स्टार्टिंग सेम है एंड कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा सेम है इनमें, एस, जो इनकी बिगनिंग है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्या करके आना है, उस लाइन में इन वर्ड्स के लेटर्स को आपको अंडरलाइन कर देना है और आपको बताना है दैट देयर इज़ अ यूज़ ऑफ एलिटरेशन। फिर है प्रेस द पिलो, सो वी कैन सी दैट पी साउंड इज़ रिपीटेड इन दिस लाइन। देन कॉटेज चैम्बर बेड, तो इस सेंटेंस में, इस लाइन में क्या है, सी साउंड रिपीट हो रही है। फिर है लाए लिसनिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल साउंड क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है एक ही लाइन में और वो वन आफ्टर द अदर है या आफ्टर द गैप ऑफ 1 or 2 words हैं, देन ऑल्सो यू कैन कंसीडर इट एज एलिटरेशन। नाउ सेकेंड हम करेंगे इमेजरी। इसमें बहुत अच्छा यूज़ हुआ है इमेजरी का। इमेजरी होती है कि वेन देर इज़ अ विविड एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज टू इवोक पिक्चर्स और फीलिंग्स। जब ऐसी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज
पोएट ने यूज़ करी है, विविड काइंड ऑफ लैंग्वेज है जो कि हमारे अंदर इवोक करती है और जनरेट करती है पिक्चर्स को और फीलिंग्स को, कि हम इमेजिन कर सकते हैं वो चीज़ें हमारी आँखों के सामने या फिर वो चीज़ें हम फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं इस पोएम में से, तो हम उन पोएम उन एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल्स हैं मेलेंकली डार्कनेस। अब हम लोग मेलेंकली का अगर मीनिंग देखें तो मेलेंकली मीन्स होता है समथिंग विच इज़ सैड, और यहाँ पर डार्कनेस जो है, डार्कनेस से भी हमें समझ में आता है कि इट अराइजेज द फीलिंग्स ऑफ सैडनेस। तो हम इस एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू आवर फीलिंग्स। फिर है रेनी टीयर्स। अब टीयर्स जो होते हैं, हाउ डू दे कम फ्रॉम आईज वन आफ्टर द अदर, सो एज द रेन और द ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन कम्स फ्रॉम द स्काई। तो यहाँ पर वो भी हम इस चीज़ के लिए भी हम बोल सकते हैं कि वी कैन इमेजिन द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ आवर आईज। नाउ नेक्स्ट है स्टारी स्फीयर्स। व्हेन देयर इज़ अ पर्टिकुलर एरिया एंड लॉट मेनी स्टार्स आर विजिबल देयर, वी कैन से स्टारी स्फीयर्स। सो हियर स्टारी स्फीयर्स ऑल्सो वी कैन इमेजिन when by going out we can see many of the stars in the sky. So this is the example of imagery which is used in this poem. Now the third poetic device is repetition. Repetition, we all understand the literal meaning of repetition. Repetition, when there is a repetition of words, sounds and lines in the stanza. Okay, so repetition in poetry is multiple uses of a word, phrase, sound, line or a whole stanza. तो किसी भी poem में क्या हो सकता है कि word का repetition है या phrase का repetition है, sound same है, कोई line same है, बार बार repeat हो रही है, या फिर पूरा stanza ही sometimes क्या होगा वो repeat होगा in the poem. तो ऐसे examples को हम किस poetic device के under रखते हैं, किस category में रखते हैं? Under the poetic device repetition. ओके, नाउ एग्जाम्पल्स आर लिसनिंग टू द पैटर एंड दिस पोएम, दिस लाइन लिसनिंग टू द पैटर इज द लाइन नंबर 7 इन द पोएम, एंड अगेन लाइन नंबर एज लाइन नंबर 15 अगेन दिस इज कमिंग लिसन टू द पैटर. सो इफ लाइन्स आर रिपीटेड इन द पोएम, वी कैन से दैट दिस इज द यूज ऑफ रिपीटेशन. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक. तीन पोएटिक डिवाइस मेजरली इसमें यूज़ हुई हैं. फर्स्ट है एलिटरेशन, सेकेंड है इमेजरी और थर्ड है रेपिटेशन. ओके, तो अगर एग्जाम में आती हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कौन सी लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, और एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो इसमें से आता ही है कि कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है. तो इट विल बी क्लियर टू यू आफ्टर सीइंग दिस वीडियो. और मैंने एक वीडियो इस वीडियो से पहले भी बनाया हुआ है, उसमें मैंने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस किया. तो अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो जाकर देखिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको वो वीडियो कैसा लगा और आगे कौन से टॉपिक्स आप लोग देखना चाहते हैं. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जाकर सब्सक्राइब करिए. ओके, अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय.